जैसे कि अमोर खुद हो गया पंचायत, रंगरैया लाल टोली, बड़ा ईदगाह का, भवानीपुर, हरिपुर, और आपका ज्ञानडो, खारी महन गाँव, और आपका क्या कहते हैं कि नितेंद्र पंचायत, मछट्टा पंचायत, जैसे कि आपका धुरपेली पंचायत हो गया, आपका हो गया क्या कहते हैं पोठिया हो गया, इधर भवानीपुर हो गया, तियरपाड़ा हो गया। दोस्तों, जैसा कि हमने बहादुरगंज, कोचाधामन और बैसा प्रखंड के बाद हम अमोर प्रखंड में आए हैं और प्रखंड हेडक्वार्टर में अभी हैं। यहाँ पर एक चाय की दुकान है, यहाँ पर हम बैठे हैं। यहाँ पर जानेंगे लोगों का कि किस तरह से, चूँकि मतदान तो दे दिए हैं, लेकिन यहाँ पर किसका हवा चला, यहाँ कौन बढ़त में है बताएंगे। यहाँ पर कौन बढ़त में गया है? यहाँ पर MIM बढ़त बनाई हुई है, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ रहा है हमारा अमोर विधानसभा। लेकिन अमोर विधानसभा में इस बार यहाँ के अवाम का जो मूड था, बिल्कुल चेंजिंग के मूड में था कि हम लोग कुछ बदलाव लाएँ। इसलिए हम लोगों ने पार्टी को देखने के साथ साथ एक नेता को चुना जिसमें कि पतंग का सिंबल आसमान में उड़ रही है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अख्तर ईमान को भारी मतों से कामयाबी मिलेगी। कितना परसेंट वोट किसको आप दे रहे हैं यहाँ? जी, यहाँ अमोर विधानसभा में 50% वोट अख्तर साहब को गया है जी। 50 में वो दोनों हैं। अच्छा जी, अख्तर साहब हमारे साथ सरपंच साहब भी हैं यहाँ पर, यहाँ के सरपंच हैं। हाँ, 50% पतंग को मिला है, उसके बाद वो दोनों पार्टी को मिला है, और जो अच्छा खासा वोट यहाँ मिला है पतंग को। क्या हालत है यहाँ का? क्या यहाँ का भी हाल वही 50% में पतंग है और बाकी जो है इधर। आपके नज़र में कितना किसको परसेंट वो दे रहे हैं आप? देखिए, ये आम जनता है, आम लोग हैं, जो वोटर हैं यहाँ के, वो लोग बता रहे हैं कितने परसेंट पे कौन है। हम लोगों के आंकड़े से लगभग 50% वोट कांग्रेस और ये अख्तर ईमान को मिला है, बाकी 50% में बाकी लोग हैं। अच्छा, आपका क्या है? हाँ, 50% अख्तर ईमान को यहाँ मिला है। हम लोग काम किए जमीन स्तर पर। अच्छा। क्योंकि पहली बार आया और ये लगा कांग्रेस का है, यहाँ से कभी वोट कटता नहीं था, लेकिन पहले हम लोग अपने बूथों में 50% निकाले हैं और गुंजाइश 50+ होगा। और अच्छा, और लोगों से हम जानना चाहेंगे, हमारे बूथ में आधा गया कांग्रेस, आधा जो है अख्तर ईमान को गया। और जेडीयू को वोट मिला है? जेडीयू को थोड़ा मिला है, अदर कास्ट। अच्छा, आपका क्या सर्वे बता? हमारा वहाँ जो है पश्चिम बेल्ट है, बड़ा ईदगाह, गरहड़ा हो या अमगाची पंचायत हो, नितेंद्र पंचायत हो, 75% MI को गया है। अब्दुल इमाम को ओनली। हाँ। अच्छा, आपके बूथ, आपका पंचायत और बूथ का नाम क्या है? हमारा 156 है बूथ नंबर, पंचायत नंबर 56, रंगरैया लाल टोली विधानसभा है। ये रंगरैया लाल टोली पंचायत है, अमोर विधानसभा में पड़ते हैं। अख्तरुल ईमान को इंशाल्लाह हम लोग 50% से ज़्यादा वोट किए हैं। और लोगों से मिला रहे हैं हम, अमोर पंचायत के हैं। और अमोर मेरा नाम गुलाम मोहम्मद उर्फ बबलू भाई हुआ, हम अमोर कोल्हाटुली के हैं। ठीक है, हमारा अमोर पंचायत में आपका सर्वे जी सर्वे ये रहा कि तीनों भाग में वोट गया। अच्छा, ठीक है, 30% आपका MIM को भी गया, 30% आपको जो है कांग्रेस में भी गया, और 30% आपका जो है उसमें गया JDU में, और 10% अदर में गया। अदर में गया, ठीक है। आपका कहाँ घर? कोल्हाटुली। कोल्हाटुली, क्या वहाँ का? 50% मान के चलिए। कौन सी चले? इसमें पतंग है। पतंग। अच्छा, बाकी लोग? बाकी आप कुछ हाथ में गया है तो, और कहाँ कहाँ गया है? अच्छा, आपका सर्वे क्या बता रहा है सर? हमारा सर्वे बता रहा है अमोर प्रखंड का 36% AMI और 28% कांग्रेस और 31% JDU। आपका सर? मेरा मानना है कि अमोर प्रखंड में जो त्रिकोणीय की लड़ाई हुआ है, उसमें हम लोग बढ़त में है, जो कि MI पतंग छाप बढ़त में है। आप क्या कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम ये कहना चाहेंगे, जैसे कि हम लोग हमेशा कांग्रेस को जिताते थे, इससे पहले हम लोग कांग्रेस को ही वोट करते थे, लेकिन इस बार हम लोग एक नया मिशन चलाया है नौजवान सब मिल करके कि अख्तरुल साहब को जिताना है, और एक ऐसा लीडर भेजना है हम लोग को
सांसद जो हमारा आवाज नहीं, हमारा वो कहना नहीं हाँ, है हमारा कहना है कि इस बार हाँ तो जिस तरह से नौजवानों के जो रुझान है, हम लोग जो मेहनत किए हैं, इंशाल्लाह हम लोग यहाँ लगभग 61% या उससे ज़्यादा भी लाएंगे, लेकिन 61% से लीड कर रहे हैं जो पतंग। हम अभी हैं रोटा बाज़ार, रोटा अमोर बाज़ार में है, और हम जानकारी दे रहे थे यहाँ पर कुछ लोगों से, चाय की दुकान और यहाँ पर जूते की दुकान में है, और लोग यहाँ से बता रहे थे, जो शायद रिपोर्ट दे रहे थे कि यहाँ पर किसको कितना परसेंट मतदान किया है। सीधे जनता का रुझान पर हम जाते हैं और उससे बात करेंगे, फिर नए बाज़ार नए प्रखंड से हम आपको ज़रूर जानकारी देंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई सुझाव है तो ज़रूर हमें दें।